नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको थालपुस बनाना बताऊंगी। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थालपुस ये मेरा बना हुआ रखा है, इसमें मैंने तीन कलर लिए हैं, ग्रीन रानी कलर और क्रीम कलर। तो मैं सबसे पहले अंदर ग्रीन कलर डालूंगी। तो इधर एक चैन बनानी है, इस तरीके से चैन बना के इसमें 15 ये लड़ी बनाई है, इसके में फिर ज्वाइंट कर देंगे। इधर से इसे लेंगे, इसको निकाल देंगे, ज्वाइंट हो गया। अभी हर एक में तो ऐसे करते चले जाएंगे। हर एक चैन से इसी तरीके से पूरा रो तैयार करना है। हर एक चैन से एक एक इधर से उठाना है, एक एक हर एक में बस निकाल लेना, निकाल के सब लगाते चले जाना। ये देखिए ऐसे पूरा राउंड से तैयार हो जाएगा। अभी जब सेकेंड रो तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, अभी एक एक पूरे में बना लिया था हमने चैन, अब एक में दो बार डालेंगे, एक में दो बार डालेंगे इसको। इसे जैसे ये है ना, इधर से लेंगे फिर इधर दो बार दो चैन बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर एक बार चैन लेंगे, इधर दो बार डालेंगे ऐसे। इसको इस ये भी रो तैयार करनी है। फिर इसके बाद में दो के बाद में फिर जब सिंगल सिंगल, इसके बाद में सिंगल सिंगल बनेगा, फिर डबल डबल, इस तरीके से इसको कंप्लीट करना। अब ये देखिए इधर जो ये रखा है थालपुस, उसमें हमने इसमें पांच लाइन बनाई है ग्रीन की, क्योंकि ये हमने बड़ा बनाया हुआ है। अभी मैं इसको छोटा बना के दिखा रहा, तरीका यही है बनाने का। तो अभी हम दूसरा कलर लगा देंगे, इसमें हम क्रीम कलर लगा देंगे और इसको भी क्रीम कलर की चार लाइन बनेगी और इस तरीके से इसको भी सेम इसी तरीके से करना है। अब ये हमने डबल लाइन बनाई थी ना, डबल क्रोशिया दो बार इसमें एक में डाला। अब इसमें सिंगल सिंगल बनाएंगे, जैसे एक ही ले लिया, जैसे बढ़ता जाएगा वैसे चैन भी बढ़ती जाएगी, हर एक में एक एक डालना है। फिर एक दो, फिर इसमें इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इधर एक दो, इधर से इधर डालेंगे, एक दो, ऐसे पूरी लाइन तैयार करेंगे। देखिए मेरी ये लाइन तैयार हो गई है। अभी सेकेंड लाइन जब बनाएंगे तो फिर इसमें एक दो दो चैन बना के इसमें दो बार करना है, दो बार डबल चैन बनाएंगे। फिर इधर से लेना है, इधर से एक दो दो बार ले हर। अब एक बार सिंगल सिंगल बनाना है, फिर एक बार डबल डबल बनाना है, अभी इसमें दो बार करना है। इसी तरीके से पूरी लाइन तैयार कर देना, फिर एक दो इस तरीके से बनेगा। अभी ग्रीन कलर लगाना है, ग्रीन कलर लगा के अब इसमें अभी हम इसमें दूरी दूरी पे डालेंगे, जैसे अभी हमें डालने चार चार छोड़ के, एक दो तीन, तीन ही चैन बना लेना और इधर डाल देना, चार यानी इधर पर डाल देना। नहीं तो एक पहले सिंपल बना लेंगे, क्योंकि इधर थोड़ा दूरी ज़्यादा हो रही ना, एक राउंड नॉर्मल बनाते चले जाएंगे पहले ग्रीन का।
हर एक में एक एक चेन डालते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं हमने पूरा रो तैयार कर लिया है सिंगल सिंगल का। अभी हम एक दो तीन तीन के बना के इतनी इतनी दूरी पे डालेंगे, यानी तीन तीन छोड़ देंगे ऐसे। फिर इधर से लेंगे, एक में चार बार निकालना है, एक ही जगह से चार बार निकालना है। इस तरीके से करना है। फिर एक दो तीन चार, चार ये ले लेना है। फिर तीन छक, वन टू थ्री, थ्री को छोड़ देना है, छोड़ के फिर इसको एक में चार बार निकाल देना। इसको इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। इस टाइप में करते चले जाना, पूरा बनाते चले जाना। ये देखिए हमने ये वाला कंप्लीट, ये वाला कर दिया रूप। एक में चार चार लेना था, एक में चार चार लेना था इसको ऐसे। फिर इसके मतलब इसमें तीन बार ये लाइन करना है। ये मैंने फर्स्ट एक बार किया है ना, चार चार एक चार चार एक एक में डाले हैं, इसको तीन बार बनाना है। फिर अभी जब आएंगे नेक्स्ट बार जब आएंगे तो जो ये दिख रहा है ना ये वाला, इसमें डालेंगे, इसमें इसमें चार बार डालेंगे। फिर इसके ऊपर चैन आ जाएगी, मतलब यहाँ चार चैन लिया था ना हमने, बनाया था ना, तो यहाँ पाँच एक बढ़ा देंगे, पाँच चैन। फिर इसके ऊपर इधर चैन आ जाएगी, इसके अंदर ये वाला जो बना हुआ है इधर चार बनाएंगे। इसी तरीके से पूरा बनाते चले जाएंगे। इसमें देख सकते हैं ये हमने बनाया हुआ है, पहले फर्स्ट रो ये तैयार कर दिया, फिर इसके ऊपर ये चार बार बनाया, फिर ये चैन बनी है। फिर इसी तरीके से तीन बार इसको कंप्लीट किया हमने, ग्रीन कलर से तीन बार कंप्लीट किया है। तो अभी हम अब ये वाइट कलर डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाने से फिर मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। तरीका यही है बनाने का। देखिए अभी मैं जैसे हमने अभी समझाया था ना आपको, उसी तरीके से इसमें डालना है। चार हमने बना लिया चैन, अब एक ही से हमें चार बार निकालना है। फिर हमें चार चैन बनानी है, तीन चार। अब इसमें फिर हमें एक से चार बार निकालना है। इसी तरीके से ये पूरा रो तैयार कर लेंगे, इसी तरीके से पूरा इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने ये रो तैयार कर लिया है क्रीम कलर का। अभी ये जो पर्पल दिख रहा है, अभी पर्पल की जगह हमने रानी कलर डाला है, इसको भी इसी तरीके से करना है। एक दो तीन चार, चार ही बना के इसमें इसके अंदर डाल देंगे। चार बार निकालना है एक ही जगह से, इसको भी चार बार निकालना है। इसमें चैन बनाना है, देखो चार बना लिए। फिर इसमें चैन बनाना है, जैसे ये बनी है इधर चैन बनाना है। फिर इसको इसे बनाते पूरा कंप्लीट करते हुए चले जाना है। देख सकते हैं ये वाला मेरा रो तैयार हो गया है सेकंड। अब जब सेकंड रो पे आएंगे तभी क्या करेंगे, इधर से जो ये डला है ना अब इसी के अंदर से डालेंगे, यानी कि इसमें चैन ज़्यादा नहीं बनाएंगे, दो बनाएंगे। अब जैसे चार डाला था तो अब छः डालेंगे, इसको बढ़ाएंगे। अब इधर तक आ गए, अब जब सेकंड बार इधर आएंगे चार के बीच में इसको छः करेंगे, इधर छः बनाते चले जाएंगे इसको। ये बना दिया ना ये वाला, अब इसमें फिर छः। अभी इसको क्या करना, जैसे एक बार छः छः, फिर इसमें आठ, फिर इसके बाद जब तीसरी लाइन आएगी ना तो उसमें आठ है इसके ऊपर बनेगा। एक ही में आठ बार डालना है, ठीक है। ऐसे करके पूरा ये देख सकते हैं, जैसे ये है ना, ये हमने चार डाला,
ये चार डाला, फिर छह डाला, इसको कितने बार बनाया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार बनाया इसको, छः बार कंप्लीट करके बस इसको ख़त्म कर दिया है, ये चीज़ किया है। और फिर इसी को फिर इसके ऊपर से हमने व्हाइट कलर का धागा लगा दिया है। देखिए इसमें हमने ये दो पूरा रेडी कर दिया है, बनेंगे तो पूरा चारों तरफ से एक ही, मतलब पूरा एक ही जैसा बनेगा, क्योंकि एक ही लाइन से इसे राउंड से बनेगा। लेकिन मैंने आपको दो समझाने के तरीके से बताया है, जैसे मतलब ये दो हमने इसी तरीके से बनाना है, जैसे ये हमने दो बना रखे ना, अभी बनाए ना, इसी के ऊपर देखो हमने चार डाले थे, फिर छः डाले थे, फिर आठ आठ, फिर इसके ऊपर आठ आठ डाल के फिर छः इसके ऊपर डालेंगे, चार बार बनाएंगे, पांच बार बनाएंगे। तो मैंने चार बार इसमें बना के आपको बताया है। फिर इसके बाद में अब व्हाइट कलर कैसे लगाना है, इसी तरीके से आपको पूरे ये जो इसी के ऊपर आपको बनाते जाना है राउंड से। तो अभी मैंने दो बताया था, अब इसके ऊपर व्हाइट कलर कैसे लगाना है। व्हाइट कलर लगाने के लिए देखिए एक हमने गांठ लगाई है इधर, ये लगा दिए। अब इसको धागा को इधर ऐसे करना है, इधर से लेना है, इसमें एक दो 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 ले लेके हर एक इधर इसी टाइप में फंसाते चले जाना है, ऐसे ये अपने आप इधर आ जाएगा, एक दो तीन। फिर इसको इस इधर से लेना है, इसके नीचे से इसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है, इधर से ले जाना है, फिर इधर से इसको ऐसे करना है, फिर इधर से तीन तीन ये बराबर से डालते चले जाना है, ये अपने आप बनता चला जाएगा। फिर जब इधर आना है तो हर एक इसमें एक एक बार लेना है, ये इधर से एक एक बार लेना है, ऐसे पूरे राउंड से इसको कवर कर। ये देखिए ये हमने बनाया है ना, इसमें इसी तरीके से इसको इस इधर से फिर इधर से हर एक लाइन से, जैसे इधर आ गया तो फिर इधर से इसको इधर से घुमाते घुमाते इधर से ले जाना है, ऐसे हर एक पत्ती में इसको बनाते चले जाना है, इसी तरीके से इसको बनाना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए।